सर, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कैसे देखते हैं आप? नहीं, पिछला जो घोषणा पत्र है वो पूरा नहीं किया तो इस पर कैसे विश्वास किया जाए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, बताएं 10 साल में वो 20 करोड़ लोग हैं, कौन हैं जिनको रोजगार दिया है? 10 साल हो गए सरकार बने हुए, 20 करोड़ लोगों के नाम बीजेपी के पोर्टल में डाल दें, किसको रोजगार दिया? पहले के वादे पूरे किए नहीं, नए वादे पूरे करने लगे। फ्री में राशन की बात करते हैं, ये जो फूड सिक्योरिटी बिल था ये श्रीमती सोनिया गांधी की देन है। इसको उस समय गेम चेंजर माना जाता था कांग्रेस की जब सरकार थी, वो कंटिन्यू कर रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो महिलाओं को फ्री एजुकेशन थी, हमारी मेडिकल सुविधाएं जो थी, इन्होंने नाम भर आयुष्मान कार्ड बदल के रख दिया। उस समय गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग भारतवर्ष में थे सबको निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती थी, वो अब आयुष्मान कार्ड के तहत कर दिया। सर, जैसे मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है 5 साल तक, अरे ये डिजिटल इंडिया और $5 ट्रिलियन और अब उन्होंने तो कहा था 24 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, अभी 3.3 पर है इकोनॉमी, कितना 50% रीच किया हमने। तो जो ये कहते हैं उसका 50% भी हम रीच नहीं कर पा रहे, उपलब्ध नहीं कर पा रहे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन UCC की भी बात की, देखिए ये शुरू से जो इनका एक अधिकारवाद है, शुरू से जो इनका अधिनायकवाद है, शुरू से जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि धीरे 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 ये वन पार्टी वन इलेक्शन कर देंगे। अभी वन नेशन वन इलेक्शन, वन पार्टी वन इलेक्शन जैसे रशिया में है, दूसरे देशों में, इसीलिए तो भारतवर्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो दिस वन इज वन ऑफ द लास्ट इलेक्शन।